अपने देश में ना बहुत से लोग होते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, सच्चाई का उनको पता नहीं होता, जो भी मतलब के मंडिया और उसके दलाल दिखा देते हैं या दो रुपुल्ली के ट्रोलर जो चला देते हैं ना उसी को सच मान लेते हैं, कभी नोटों के बारे में कभी किसी चीज के बारे में। आपको पता है एक बार पहले भी कंगना रनौत ने अमृतपाल सिंह को चैलेंज किया था कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर ओपन डिबेट करना चाहती है, ओपन डिबेट। अमृतपाल सिंह ने जो जवाब दिया ना वो जवाब पूरे देश को सुनना चाहिए, पूरे देश को। अगर वो जवाब आप सुन लेते ना तो आप कभी भी ना इतना वो नहीं करते, उधर ही समझ जाते कि इसकी मानसिकता क्या है, इस लेडीज की मानसिकता आप लोगों की समझ में आ जाती। कल से एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है भाई, उस फोटो की सच्चाई आपको बताते हैं। कल से ना एक फोटो वायरल किया जा रहा है जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बीच में एक और खड़ी है, उसको क्या बोल रहे हैं, ये कुलविंदर कौर है, कुलविंदर कौर है ये, ऐसे करके दिया जा रहा है। वो कुलविंदर कौर नहीं, वो दिव्या मदेरणा है, दिव्या मदेरणा है कांग्रेस की नेता, उसको कुलविंदर कौर बता के इन लोगों ने इतना वायरल किया, इतना वायरल किया कि सबको यकीन हो गया कि हाँ भाई यही कुलविंदर कौर है, तो कांग्रेस की है इसलिए मतलब इसने हाथ उठाया है कंगना रनौत के ऊपर, इसलिए हाथ उठाया होगा। बस हमारे को ना यही चीजों से वो है, तुम सच बोल दो, गोदी मीडिया सच बोलना शुरू कर दो। ये ट्रोलर मीडिया ना, ये दो रुपिल्ली वाले, दो रुपये भी नहीं मिलते आजकल तो, इनको 50 पैसे मिलते हैं, ये 50 पैसे वाले हैं ना, ये बंद कर दो झूठ बोलना, हम उसी दिन बंद कर देंगे, तुम्हारे को कुछ नहीं कहेंगे, करने को और काम बहुत होते हैं, पूरे दिन तुम्हारे को ही वो करते नहीं फिरेंगे हम। वो जैसे ही फोटो वायरल किया इन लोगों ने, वो फोटो कहां तक पहुंच गया ये देखो कमाल की बात, कि वो फोटो दिव्या मदेरणा तक पहुंच गया, उसने फिर खुद पोस्ट डाल ली ये मेरा फोटो है ना कि कुलविंदर कौर का फोटो है। आप समझे, ये झूठ को इतना फैला देते हैं, मतलब इनकी वो देखो इनका जो IT सेल है कितना मजबूती से काम करता है, यही सब तो ये लोग करते हैं। ऐसे ही ये पंजाब को बदनाम करते हैं, ऐसे इन लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम किया था। किसान आंदोलन क्यों बचा था, किसान आंदोलन बचा था क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर पावर बहुत थी, सोशल मीडिया पर इतनी पावर बढ़ गई थी, सोशल मीडिया यूजर्स जो थे ना, जो अच्छे लोग थे वो ज्यादा जुड़ गए थे, उन लोगों ने उसकी हर एक चीज की काट की थी, हर एक चीज की, और फिर बोल देते थे नहीं हमारे को तो पता लग गया कि किसान आंदोलन के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब अपने आप से घर बैठे बैठे बातें बनाई इन लोगों ने, वही बातें ये लोग अमृतपाल के बारे में, पंजाब के बारे में और कुलविंदर कौर के बारे में बना रहे हैं, कमाल नहीं है। ये झूठ बोलना छोड़ दो। अभी कल से न्यूज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब इटली गए हुए हैं, प्रधानमंत्री साहब ने देखो ज़ेलेंस्की से मिले, ऋषि सुनक से मिले, पोप से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने दिया खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब, ट्रूडो से नहीं मिले। सबसे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से ही मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो से मिले, कमाल की बात नहीं है। और यहाँ पे न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, वो कौन सा है क्या पता नहीं, उस चैनलों के इनके नाम तो सबको पता है, ये सब घोषित नंबर 1 है, वैसे इनका नंबर 163वां है, 165 देशों में मीडिया चलती है, 163वां नंबर है। अब सोच को देखो वो दो देश कौन से है जिनकी मीडिया हमारे से नीचे है, वो भी इन्हीं के संपर्क के देश मिलेंगे, अलग से नहीं मिलेगा कोई, इसलिए कहते हैं ये लोग सच बोल दो। इसने क्या बोला था अमृतपाल सिंह को चैलेंज दे के कि मैं ओपन डिबेट करूंगी, लेकिन उसका नाम पता क्या है, अमृतपाल सिंह है, और वो आ रहा है संसद में, आ रहा है, वो कसम भी लेगा, और कंगना भी सांसद है, अमृतपाल भी सांसद है, आमने सामने बैठ के ओपन डिबेट करना ताकि पूरा देश देख सके, क्योंकि अगर ये अकेले में डिबेट करेगी या बोलेगी कि मैं रूम में बैठ के बात करूंगी तो वही अमृतपाल वाली बात है, ये कुछ ना कुछ इल्जाम लगा देगी, क्योंकि इसका काम नहीं है राजनीति, तो इन ऐसे लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। मतलब कमाल का जवाब दिया था भाई अमृतपाल सिंह ने, वो जवाब आपको सुनाएंगे, इसका सवाल और उसका जवाब भी सुनाएंगे आपको, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी होया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं अभी, ज्यादा से ज्यादा सच बोलना शुरू कर दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमारी कोई पर्सनल वो थोड़ी ना आप लोगों से भाई, लेकिन ये सच नहीं बोलते, देश का चौथा स्तंभ बोल जाता मीडिया को, लेकिन वो मीडिया को बोला जाता है, मंडिया और उसके दलालों को नहीं बोला जाता, मंडिया और उसके दलाल सिर्फ दलाली करने के लायक है, वो लोग करते हैं वो काम, इनका अच्छा खासा कर लेते हैं ये, क्योंकि इनका काम है ये। अब इन लोगों की झूठ और सच का पर्दाफाश आपके सामने करके दिखाते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लेना ये कहां किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। सुनाएंगे अमृतपाल का जवाब, सुन लेना पहले, ये ओपन डिबेट करेगी अमृतपाल के साथ। तुसी डिस्कशन दी गल कीती सी, तुसी ओ तो लोकां नु क्या सी का ओपन चैलेंज दिता सी कि खालिस्तान दे मुद्दे ते मैं डिस्कशन करन लई तैयार आ कोई भी आ जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि मैं डिस्कशन करना चाहुंदी आ पर मैनू गोली ना मारन, ए जो खालिस्तानी ने मैं गल करांगी, पर तुसी क्या कि नहीं? नहीं, मैं ओदे च इंटेलेक्चुअल शब्द वरतिया सी। ਹੁਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀ 47 ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਰਗਸ ਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸਿਸ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ
ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕਮ ਹੇਅਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਰੇ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਬੇਟ ਡਬੂਟ ਦੇ ਫਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾਈਏ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਰ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਨੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਾ ਕਾਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕੋ ਕਾ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤੋ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਆ ਉਸਕਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸਸੇ ਅਲਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਇਸਨੇ ਬਈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇਤੇ ਹੈ ਆਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਬੋਲੇਂਗੇ ਹਮ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਨਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਨਕੋ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ ਛੋੜ ਦੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਂਡਗਿਰੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਮੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਕਰੋ ਇਨਕੋ ਭਾਂਡਗਿਰੀ ਕਰਨੇ ਦੋ ਇਨਕੋ ਸਿਰ ਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ 2014 ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇ ਕਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਕੋ ਲੱਗਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਔਰ ਅਭੀ ਤੋ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਸਮ ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਉਸੀ ਦਿਨ ਖਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਉਸੀ ਦਿਨ ਖਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਭਾਗ ਜਾਏ ਤੋ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਉਹ ਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਲੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਹਮ ਇਸਕੇ ਟਾਂਗ ਤੰਗ ਮਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਸੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੋ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਕਾਮ ਇਸਕਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕੋ ਕਾ ਕਾਮ ਇਸਕਾ ਬਈ ਭਾਂਡਗਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਂਡ ਹੋਤੇ ਭਾਂਡਗਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ जैसे अपने मंडियों के दलाल हैं वो दलाली नहीं छोड़ सकते सब कुछ छोड़ सकते वो दलाली नहीं छोड़ सकते बस यहीं पे ये लोग है ना सच बोल दो ताकि हमारे को ना आना पड़े ये सच ये बोलेंगे नहीं सच्चाई हम दिखाएंगे ये गारंटी है ये जो कह रही है ना कि मैं ओपन डिबेट ये करने गई थी भाग तक आज तक उस चैनल पर गई थी वहां पर अपनी बेइज्जती करवा के आई और गई थी कहीं ललन टॉप पर गई वहां अपनी बेइज्जती करवा के आई हर जगह पर इसने अपनी बेइज्जती करवाई है कौन से झंडे काटे इसने और आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में होने दो ना संसद में एक ओपन डिबेट दोनों के आमने सामने क्या अपनी राय जरूर रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।